नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आप देख रहे हैं दी लालनटॉप डॉट कॉम। 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान पर एरियल सर्जिकल स्ट्राइक की जैश मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए, और 27 फरवरी को सीमा पर तनाव की नए सिरे से खबरें आने लगी। इन सब के बीच 27 फरवरी की दोपहर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल गफूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने कैसे स्ट्राइक की वगैरह वगैरह, और उसके बाद ये बताया कि उन्होंने एक भारतीय पायलट को पकड़ लिया है, ऐसा दावा किया गया। और उसके बाद वीडियो रिलीज हुए पाकिस्तान की मीडिया में, जिसमें दावा है कि भारत के विंग कमांडर अभिनंदन, जिनके जो एलिजिट वीडियो है उसके ये स्क्रीनशॉट्स हैं, उनको पकड़ लिया गया है। वीडियो में क्या बताया जा रहा है, वीडियो में उनसे पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो बताया गया कि मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है, सर्विस नंबर 27981 बताया गया, फ्लाइट पायलट हैं ये भी बताया गया। याद रखिए कि जब मैं ये वीडियो आपके सामने शूट कर रहा हूँ, दोपहर के 2 बजे हैं और अभी तक भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तानी सेना के डीजी ISPR जनरल गफूर ने इसके अलावा ये भी कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, शांति के जरिए मसले का हल ढूंढना चाहता है। ये भी कहा गया कि इस जवान के साथ, इस अफसर के साथ कोई बदसलूकी नहीं होगी, कानून के तहत जो किया जाता है वही सलूक किया जाएगा। पाकिस्तान बार बार ये भी कह रहा है कि अब बॉल इंडिया के कोर्ट में है और उसे ये निर्णय लेना है कि आगे बातचीत करनी है या नहीं। ये वीडियो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट हो रहा है, पाकिस्तान के मीडिया पर भी सर्कुलेट हो रहा है। अभी भारत की एयरफोर्स की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। अभिनंदन के बारे में हमने जानकारी भारतरक्षक.com इस नाम की वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एयरफोर्स से संबंधित जानकारियाँ मौजूद होती हैं, तो उसके बारे में जानकारी जुटाई और वहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन वर्धमान के नाम से डिटेल्स हैं, जो सर्विस नंबर बताया गया है वो मैच कर रहा है। ये अब तक का अपडेट है। इस मामले में जो भी आगे जानकारी मिलेगी वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। मेजर जनरल गफूर की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें ये भी बताया गया कि बडगाम में हमारा जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, वो तकनीकी खामी के चलते क्रैश हुआ, जिसमें पायलट और को पायलट दोनों की मौत हो गई। कई दावे किए जा रहे हैं, उन सब की सच्चाई आप तक लगातार पहुंचा रहा है दी लालनटॉप.com। विंग कमांडर अभिनंदन के मामले की जो भी सच्चाई होगी, पाकिस्तान का दावा, भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से जो भी चीज़ें बताई जाएंगी, वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप देख रहे हैं दी लालनटॉप.com। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।